तो अगर आप भी गुजरात टाइटंस की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि चहल की निकल गई और राजस्थान और गुजरात के बीच मुकाबले में चहल जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उन पर उनकी पत्नी धनश्री से लेकर बीच मैदान में फील्डिंग कर रहे हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और बाकी के खिलाड़ी आखिर क्यों हंस पड़े ये सारे खिलाड़ी और कैसे बल्लेबाजी कर रहे थे यजुवेंद्र चहल, उसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी और गुजरात के बीच मुकाबले में पूरे दिन हार्दिक पांड्या ही नजर आए। जी हां, आज उन्होंने किया भी कुछ ऐसा वाला काम कर रहे थे। जी हां, इस मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तो की ही की, साथ में लाजवाब कप्तानी भी कर रहे थे और राजस्थान की टीम पर अकेले हार पड़ गए। और आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने केवल 52 गेंदों में 87 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। और दोस्तों उसके बाद उन्हें कुछ समय मुकाबले से बाहर भी रहना पड़ा जब लॉकी फर्गुसन की गेंद पर राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन रन लेना चाहते थे, उस पर हार्दिक पांड्या ने एक स्टंप को देख सकते हैं कि उसके दो टुकड़े हो गए और लाजवाब कप्तानी और शानदार प्रदर्शन के दम पर हार्दिक ने मजबूत राजस्थान को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। वहीं दोस्तों आज राजस्थान की खराब बल्लेबाजी का आलम यह रहा कि यजुवेंद्र चहल की बल्लेबाजी का सहारा लेना पड़ा। जी हां, आपको बता दें कि जब आखिरी ओवर को बता दें कि वैसे तो यजुवेंद्र चहल हमेशा ही अपने फनी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो जहां कहीं भी रहे वहां हमेशा ही हंसी मजाक का माहौल चलता रहता है। राजस्थान और गुजरात के बीच मुकाबले में ऐसा ही, और इस पर उनके कैच को लपकने के लिए दौड़े शुभमन गिल की भी हंसी निकल गई। और यही नहीं, हार्दिक पांड्या से लेकर राहुल तेवतिया भी यजुवेंद्र चहल की बल्लेबाजी पर हंसते हुए नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा उनकी बीवी धनश्री का रिएक्शन, उठा रही थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को फाइनल तक ले जा पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए